सभी प्रशिक्षुओं का आज की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने छात्र के विषय में और अध्यापक के विषय में अपने शैक्षिक विचारों के तहत क्या कहा है। आइए इस पर हम प्रकाश डालते हैं, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। आज हम क्या देखेंगे कि छात्र कैसे होने चाहिए, यानी विद्यार्थी या स्टूडेंट कैसे होने चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार छात्र कैसे होने चाहिए, अनुशासित यानी डिसिप्लिन होने चाहिए, डिसिप्लिन वे में रहने चाहिए। दूसरा, छात्र संयमी होने चाहिए, संयमी। तीसरा, छात्र क्या अपने विकास के प्रति क्या रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए छात्र को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था। जब तक विद्या अर्जन कर रहे हैं तब तक विद्यार्थी को क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा महात्मा गांधी ने अपने शैक्षिक विचार के तहत कहा। ठीक है, साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को जिज्ञासु भी होना चाहिए, जिज्ञासु। ठीक है, इंक्यूजिटिव होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इन्होंने छात्र के विषय में क्या क्या कहा है, आप सब ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो यानी छात्र क्या अनुशासित होने चाहिए, यानी छात्र को क्या अनुशासित व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कहना था महात्मा गांधी के अनुसार। ऐसा नहीं कि जो मन में आए व्यवहार प्रदर्शित करे, नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए छात्र को और टीचर के बताए मार्गदर्शन के अनुसार जाते हुए अनुशासन का पालन करना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, आइए इसके बाद इन्होंने कहा कि छात्र को क्या करना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए, संयमी होना चाहिए छात्र को, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अध्ययन पर अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, यानी मन को एकाग्र रखना चाहिए, इधर उधर मन में भटकाव नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब संभव है, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर अपनी तृष्णाओं पर क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा, तभी क्या व्यक्ति या विद्यार्थी संयमी हो पाएगा। तो विद्यार्थी को संयमी होना अत्यंत ही आवश्यक है इनके अनुसार। फिर इन्होंने कहा कि विद्यार्थी को अपने विकास के विषय में सोचना चाहिए, सर्वांगीण विकास कैसे हो इस पर विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और जिज्ञासु भी होना चाहिए। अर्थात ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसे प्रश्न बच्चों के मन में उठने चाहिए, यानी विभिन्न प्रश्न किसी भी घटना किसी भी परिस्थिति को लेकर के बच्चे के मन में उठने चाहिए, तभी क्या होंगे, एक नए ज्ञान की ओर वो बढ़ेंगे। तो बच्चों को जिज्ञासु भी होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार में कहा। अब हम देखते हैं कि अध्यापक के विषय में उन्होंने क्या कहा, आइए इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि अध्यापक कैसे होने चाहिए इनके अनुसार। ठीक है, तो इनके अनुसार टीचर या शिक्षक या अध्यापक कैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो अध्यापक मानव गुण से पूर्ण होने चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए, अध्यापक में मानवीय गुण होने चाहिए। तो मानवीय गुण का क्या तात्पर्य हुआ, मानवीय गुण यानी एक मनुष्य में जो गुण होने
चाहे सहनशीलता, सहयोग की भावना, दया, सहानुभूति, संयम आदि मानवीय गुण अध्यापक में होने चाहिए, ठीक है, तभी वो बच्चे को बेहतर सिखा पाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अध्यापक को क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार किसके साथ, विद्यार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तभी वो बच्चे को बेहतर उनकी रुचि के अनुसार सिखा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि अध्यापक को और क्या होना चाहिए, विभिन्न हस्तकलाओं का ज्ञान होना चाहिए, हस्तकलाओं कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। कौशलों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान हो तभी वे क्या करेंगे, बच्चे को भी ज्ञान दे पाएंगे। हस्त कौशल का ज्ञान होगा, विभिन्न कौशल की जानकारी होगी, तभी वे क्या करेंगे, बच्चे को जानकारी दे पाएंगे विभिन्न हस्तकलाओं के विषय में, जैसा कि बुनियादी शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन में, नई तालीम में, वर्धा शिक्षा योजना के तहत गांधी जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो अध्यापक को कैसा होना चाहिए, हस्त कौशल का ज्ञान होना चाहिए, उसे विभिन्न कौशलों का, विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चे को ज्ञान दे पाएंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि विद्यालय किस प्रकार के होने चाहिए इनके अनुसार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।